Look in the mirror, tell me what do you see? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुभान व तआला क्या कहते हैं, हमें किस तरफ तवज्जो दिलाते हैं हमारी। सूरह तौबा की मैं आपके सामने एक आयत रखूंगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फॉलोइंग है इस वक्त, माइकल एच हार्ट एक आपको पता है क्रिश्चियन है, उसने किताब लिखी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 पीपल, द 100 के नाम से, और उसमें वो लिखते हैं कि टॉप 100 लोग दुनिया में जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उन 100 लोग के बारे में लिखते हैं। और जीसस क्राइस्ट जो कि ही बिलीव्स हिम टू बी हिज लॉर्ड, खुदा मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को नंबर 3 पे रखा, आइज़क न्यूटन को नंबर 2 पे रखा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा। और क्रिश्चियंस ने बहुत एतराज़ किया कि ये आपने क्या किया, ये तो बंदे नाउज़ बिल्ला टेररिस्ट हैं या ऐसे हैं या वैसे हैं, तो आपने क्रिश्चियन होते हुए मुसलमानों के रसूल को नंबर 1 रखा। तो ही वॉज़ इन अ गैदरिंग, ही आंसर्ड, उन्होंने मुसलमानों से हाथ खड़े करवाए कि कौन कौन मुसलमान है। अब सुनने की बात है, वहाँ पर जितने मुसलमान थे उस गैदरिंग में उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने नबी के लिए जान दे देंगे, तो सब ने कहा यस, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनहगार मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग हो, नॉन प्रैक्टिसिंग हो, सब ने कहा यस। तो उन्होंने कहा दैट्स व्हाई इज नंबर 1, जिस शख्स का इन्फ्लुएंस इतना है कि उसको देखे बगैर मुसलमान जान देने पे, अगर जान देने पे राजी हो रहा है, तो उसको मैं नंबर 1 क्यों ना रखूं। ये है उनका इन्फ्लुएंस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं सेम बात आपसे जीसस क्राइस्ट के बारे में पूछूं क्रिश्चियन से, तो उन्होंने कभी भी तैयार नहीं होना।